हेलो दोस्तों, आपको पता ही है कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। हालांकि इस दौरे के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। इनमें नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर हार्दिक पांड्या T20 सीरीज में और शिखर धवन वनडे सीरीज में कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद विराट एडिलेड से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम सपने को हासिल करने से कुछ कदम दूर रह गए और अब दिल में निराशा लेकर ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे हैं। हालांकि टूर्नामेंट के दौरान टीम के रूप में कई ऐसे पल भी रहे जो हमेशा याद रहेंगे और यहां से खुद को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोहली ने साथ ही फैंस को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने आगे लिखा कि सभी फैंस को धन्यवाद कि वह काफी बड़े तादाद में स्टेडियम पहुंचे और हमारा जमकर समर्थन किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हमारा साथ दिया। भारतीय टीम की जर्सी पहनना और देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा गर्व का पल होता है। कोहली फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लीडिंग रन स्कोरर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 6 मैचों में 98.67 की औसत और 136.41 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं। इनमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताव पारी खेली थी। कोहली के आसपास भी कोई बल्लेबाज नहीं है। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों से सिर्फ एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ही ऐसे हैं जो उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। हेल्स के 5 मैचों में 211 रन हैं, जबकि बटलर के 199 रन हैं। कोहली को पीछे छोड़ने के लिए हेल्स को फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 86 रन और बटलर को 98 रन बनाने होंगे। कोहली चौथी बार सेमीफाइनल में हारे हैं। इससे पहले 2015 वनडे वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप और 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। पिछले साल उनकी कप्तानी में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेली थी। हालांकि तब टीम सुपर 12 राउंड से ही बाहर हुई थी। ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में भी कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलते नजर आएंगे? इस बारे में हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।